बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम हैं उष्मा का संचरण में, भौतिकी में हम पढ़ रहे हैं, उष्मीय प्रसार पढ़े हैं और उसी के अंतर्गत थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत ही आज हम हैं उष्मा का संचरण। संचरण शब्द का अर्थ होता है उष्मा का मतलब संचरण चलना। तो किस तरीके से उष्मा का संचरण होता है? उष्मा का संचरण उच्च तापीय पिंड से निम्न तापीय पिंड की ओर होता है। अगर उच्च तापीय पिंड है, उच्च तापीय अवस्था में है और ये निम्न तापीय अवस्था में है, तो जब हम इस निम्न तापीय अवस्था में है यानी तो संचरण के संदर्भ में पहला तो हमें ध्यान में रखना है कि संचरण उच्च अवस्था से निम्न अवस्था की ओर होता है, उच्च तापीय अवस्था से निम्न तापीय अवस्था की ओर उष्मा का संचरण होगा, यानी उष्मा इसमें से इसमें आएगी। सवाल है कि उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की विधि कौन कौन है? तो दो चीज़ देखना है हमें, पहला उष्मा जो दे रहा है उसको देखना है और दूसरा जिसे उष्मा लेना है यानी उष्मा जिसे प्राप्त करना है इसको और उष्मा जो देने वाला है उसको। तो दोनों में हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि ये एक उष्मा का स्रोत है जिससे उष्मा को दिया जाना, और यहाँ एक रॉड है या यूँ समझ लें ये कण सब हैं जिनको उष्मा प्राप्त करना है। थोड़ा समझने की कोशिश करनी है हमको, इन कणों को उष्मा प्राप्त करना है इससे। अब हो सकता है एक तरीका यह होगा कि इस ये इसका पड़ोसी कण है, उष्मा इससे ये ले अपने बगल वाले को दे दे, बगल वाला इसको दे। इस तरीके से ध्यान में रखना है जो कण है यानी जो माध्यम के कण है, इसे ये माध्यम के कण है, माध्यम के कण अपना स्थान नहीं बदल रहे हैं, वरन करते क्या है माध्यम के कण जो उष्मा के स्रोत के सबसे निकट बढ़ती हैं उससे उष्मा लेकर के अपने दूसरे बगल वाले को देते हैं, बगल वाला उस अपने बगल वाले को, और इस प्रकार धीरे धीरे उष्मा यहाँ तक पहुँच जाती है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है जिसमें माध्यम के कण एक हाथ से दूसरे हाथ हस्तांतरित करते रहेंगे, अपने कण को पड़ोसी कणों को उष्मा देते चले जाएंगे। तो एक विधि ऐसी होगी। दूसरी विधि क्या हो सकती है, यानी पहली विधि तो ये था, दूसरी विधि है ये लिया, इसने अगर हीट लिया, हीट लिया जो लिया वो हटा, अभी हट गया, कहा तुम हटो मैं आने वाला हूं, अपना ये कण यानी माध्यम के कण यहां से हट गए, स्थान बदल लिए, फिर ये भी ले लिया, ये भी हट गया, जो लेते जाओ हटते जाओ, यानी पंक्ति में खड़ा रहो जो ले लिया वो हट जाए। तो एक दूसरा तरीका हो सकता है माध्यम के कण खुद चलकर जिसे उष्मा लेना है चल करके उष्मा स्रोत के निकट आएगा और उसके बाद उससे उष्मा लेगा, अपना स्थान बदल लेगा। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है, कहेगा तुझे चलना नहीं है और ना तुझे किसी को देना है, मैं खुद आऊंगा या मैं अपने दूत को भेजूंगा, अपने दूत को भेजूंगा या मैं खुद आऊंगा, इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा, इसको भी दूंगा, नहीं सबको दूंगा। तो एक तरीका होता है उष्मा स्रोत अपने ही दूत के माध्यम से, अपने ही तरंग के माध्यम से माध्यम के प्रत्येक कणों को उष्मा पहुंचा देता है, वो कहलाएगा एक विधि। एक विधि वो है, दूसरा लिया निकटवर्ती उष्मा को चलाया, निकट ने इसे लिया दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चतुर्थ को। और एक तरीका था माध्यम के कण लिया वहां से हटा, फिर दूसरा गया लिया और उसके बाद हटता चला गया। इस तरीके से ये तीन विधियां हैं उष्मा के संचरण की। इन तीनों विधियों को हम कहते हैं क्रमशः चालन, यानी उष्मा के संचरण की तीन विधियां हो गई, चालन, दूसरा संवहन और तीसरा विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन देखें, अगर हम लोहा के छड़ को यानी यहां अगर एक हीट स्रोत है और ये रॉड है,
इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये गर्म जब होगा तो ये कण अपने पड़ोसी कण को देते 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 यहाँ तक गर्म हो जाता है। तो यहाँ यानी लोहा के छड़ को या किसी छड़ को, धातु के छड़ को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें जो ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती है वह प्रोसेस है चालन का, अर्थात ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा माध्यम के कण, एक कण निकटवर्ती स्रोत से यानी ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा को लेकर अपने पड़ोसी को देते हैं और फिर वह दूसरे को देता है। इस तरीके से माध्यम के कण उत्तरोत्तर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, चालन कहलाता है। यानी इस ऊष्मा संचरण की इस विधि में निकटवर्ती कण ऊष्मा को लेकर अपने पड़ोसी कण को ऊष्मा देता है और इस प्रकार कण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, हस्तांतरण होता है। दोनों कह सकते हैं, हस्तांतरण, एक कण दूसरे को दे देता है हस्तांतरण और एक स्थान से यानी यहाँ से धीरे 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 ऊष्मा यहाँ तक पहुँचता है। जितने भी धातु के क्षर हैं उसमें जो ऊष्मा का संचरण होता है वो इसी विधि से होता है। दूसरा संवहन, ऊष्मा संचरण की इस विधि में क्या होता है कि जो जैसे केतली में जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमने खोलते हुए देखा होगा केतली को, तो कारण क्या है, जो केतली से जुड़ा अभी यहाँ केतली से जुड़ा केतली का जो धारातल है उससे जुड़ा जो पानी का लेयर है उस लेयर पानी का कण ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा लेने के बाद वो ऊपर उठ के चला जाएगा और जिसके पास नहीं है अब वो दूसरा लेयर कहेगा तुम हटो मैं आ रहा हूँ, तो ये चला जाएगा ऊपर, फिर ये दूसरा लेयर नीचे आएगा, पहलू का लेयर ऊपर चला जाएगा, फिर इस तरीके से ऊपर नीचे होते रहता है। इसी कारण से जब हम पानी को उबालते हैं तो खलबलाता है, पानी में जो खलबलाहट होती है इसका कारण है लेयर का स्थानांतरण। जिसको ऊष्मा लेना है वो नीचे चला जाता है, जो ऊष्मा ले लेता है ऊपर आता है। अर्थात ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम के कण खुद स्रोत के पास पहुंचकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ऊष्मा संचरण की ओसी विधि जिसमें माध्यम के कण ऊष्मा प्राप्त करते हो माध्यम ऊष्मा स्रोत के निकट जाकर प्राप्त करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, फिर दूसरे कण जाते हैं, फिर तीसरे कण जाते हैं। इस प्रकार से ऊष्मा का जो संचरण होता है वह कहलाता है संवहन। ध्यान में रखना है पानी को गर्म करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, चाहे इन सारे चीज़ों को जब हम गर्म करते हैं द्रवों में प्रायः ऐसा होता है, ठोसों में ऊष्मा का प्रवाह कंडक्शन के द्वारा होता है और द्रवों में गैसों में प्रायः प्रवाह जो होता है संवहन के द्वारा होता है। विकिरण विधि ऊष्मा की वह विधि है जिसमें उच्च ऊष्मीय ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले पिंड से विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊष्मा का संचरण होता है। ध्यान में रखना विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊष्मा का संचरण होता है, जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण उच्च अवस्था में ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है और विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी चल सकते हैं, उनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है उनके संचरण के लिए, तो स्वाभाविक है कि उनको संचरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए जिसको गर्म करना है उस तक वो खुद पहुँच जाते हैं और वो गर्म करते रहते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सूरज के कारण जो पृथ्वी का धरातल गर्म होता है, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है, तो उसमें ऊष्मा का कौन सा संचरण विधि है, उस विकिरण विधि है। और केवल सूर्य ही नहीं, सूरज के जैसे कोई भी जो बड़े पिंड है जिसमें बड़े स्तर पर ऊष्मा का उत्पादन होता है, बड़े उच्च स्तर पर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहां रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। यानी उस पिंड से किसी दूसरे जहाँ तक पहुँचती है ऊष्मा वो विकिरण के माध्यम से। तो ध्यान में रखना हमको चालन ठोसों में होता है, ये प्रायः द्रव में देखने को मिलते हैं और ये उच्च तापीय पिंड उच्च अपनी ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में परिवर्तित कर ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग में दोनों प्रकृति पाई जाती है, वैद्युत प्रकृति भी और चुंबकीय प्रकृति भी, इसलिए उसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। और खास बात यह है कि विद्युत क्षेत्र इसका जो होता है वह और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। धन्यवाद, आज इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे हम ऊष्मा संचरण के शेष बचे अंशों के साथ।